हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मैं आपकी अपनी दोस्त शोभा पहाड़ी ब्लॉगर। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉगर पर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। मानने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो लोग नहीं विश्वास करते हैं उनको मैं क्या बोल सकती हूँ। मतलब अपनी अपनी सोच, अपनी मतलब सोचने की जो है वो है, मतलब जिनको विश्वास करना है वो करिए, और जिनको नहीं करना है उनकी अपनी मर्जी। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो डायनोवास होता है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, और कौन कौन लोग लगे हैं इधर से। कुछ लोगों की लिस्ट आई है मतलब, तो मैं वो भी साथ में लगा दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग नाम पढ़ के जाना माता चतुर्भुजा माता के मंदिर में, और वहाँ पर जो भी करते हैं, पेठू वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, तो वो करना आप लोग। तो डायनोवास क्या होती है, मतलब डायनोवास डायनो का होता है, जो डायनो होती है, डायनो तो सबको पता है डायने क्या होती है। तो मतलब हर साल जो है डायनो और देवताओं के बीच में जो है युद्ध होता है। तो इस बार जो है देवताओं की जीत हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर बार डायने जीत जाती थी, तो इस बार देवताओं की जीत हुई है। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि देवता जीते हैं तो मतलब कोई भी जो लोग हैं वो लागत में नहीं लगे हैं। कुछ लोगों की लिस्ट आई है, अब नाम पता नहीं किस किस के हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं मतलब नाम पर, फिर भी मैं लगा दूँगी साइड में पोस्टर, तो आप लोग देख लेना कौन कौन लोग लगे हैं। हर साल जो है डायनोवास होती है काले महीने में, इसी महीने, तो हर साल कोई ना कोई लागत पे लगता है, और उनको ना इलाज करना पड़ता है, नहीं तो माना जाता है कि उनके साथ जो है अच्छा नहीं होता है। किसी का एक्सीडेंट, किसी की डेथ, किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब जो डायनोवास में लगे हुए होते हैं। एक बार हनी भी लगा था, तो हम भी गए थे चतुर्भुजा माता के मंदिर, तो वहाँ पे पेठू वगैरह जो भी चढ़ाए, तो पेठू के साथ जो है वहाँ पे कुछ करते हैं पुजारी जी, तो वो किया। काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर माता चतुर्भुजा माता के मंदिर में, तो इसी बहाने आप लोग दर्शन भी कराइए, और ज़रूर जाइएगा, और ज़रूर पता कीजिए कि कौन कौन लोग डायनोवास में लगे हैं, खास करके बच्चे लगे हैं, तो प्लीज़ देखना सभी। और ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है डायनोवास का, पर फिर भी इतना है कि डायने जो होती है वो बुरे मंत्र सीखे होते हैं, उनको डायने बोला जाता है। जो डायने लोगों को लागत वगैरह लगी होती है, वही इसीलिए बोलते हैं कि डायनोवास में लग गए हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं कि मतलब डायनोवास में लगे हैं ये। तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बस जितना कर था उतना बता दिया। तो डायनोवास ये क्या होती है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब इतना ही पता है कि डायने वो होती है जो गंदी शक्तियाँ, जिन्होंने गंदे मंत्र वगैरह सीखे होते हैं वो होती है डायने। तो प्लीज़ ज़रूर छोटी सी बात, छोटा थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर जाइए, और छोटा सा टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखिए, और लिस्ट में नाम ज़रूर पढ़िए। मैं लास्ट में लगा दूँगी फ़ोटो लंबे लंबे करके, ताकि आप लोग आराम से पढ़ सके, ताकि आप लोगों के नाम भी हो सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना, ताकि जैसे लडभड़ोल साइड से दुल चौंतड़ा, पता नहीं क्या क्या नाम है, अब इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर बहुत सारे गाँव हैं। तो प्लीज़, तो कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ यार सपोर्ट बनाई रखिए, क्योंकि आजकल मेरी वीडियो में कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। एक और बात बतानी थी गाइज, यहाँ पे 4 सितंबर को जगराता है, इस संडे को, सितंबर को, हमारे यहाँ हमाऊँ नाग देवता के मंदिर, और 5 को मेला है, तो प्लीज़ आइएगा और ज़रूर दर्शन की करिए। और 5 तारीख को नहाना भी होता है,
जैसे भाद्रवीज का नहाना होता है, मतलब बोला जाता है कि पाप किए हुए जिन्होंने पाप किए हैं वो धुल जाते हैं। चलो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब पाप जो किया है उनका नाम तो एक बार लिस्ट में चढ़ जाता है, पर फिर भी आप आइएगा और उस पवित्र पानी से नहाइएगा, जैसे फोड़े फिंसिया जिनको होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ 5 तारीख को ज़रूर आना, दिन में मेला भी है, हमारा प्रोग्राम भी है महिला मंडल वालों का, जैसे नाटी वगैरह मतलब गाना वगैरह जो भी है, प्लीज़ आइए। और जगराते में मुझे सरप्राइज़ दे दिया मेरे गांव वालों ने, मतलब मेरा नाम भी उस लिस्ट में आ गया है जगराते के दिन भजन कीर्तन जो होते हैं उसमें। और काकूराम ठाकुर जो भाई है वो आ रहे हैं सिंगर, और साथ में हमारे यहीं से हैं बलदेव जी वो भी है, और मेरा नाम भी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने गाँव के लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू। और जितने भी मेरे गांव के लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो ज़्यादा बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, पर मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने उस जो पर्चा बनाया है उसमें मैंने अपना नाम पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो पहली बार मुझे किसी ने खुद से मौका दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।